दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए भारतीय डाक विभाग की सीधी भर्ती 2023 की अपडेट लेके आ चुके हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी 10 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इस भर्ती के लिए आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी, सीधी भर्ती की अपडेट है। 1899 वैकेंसी जहां पर निकली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 10वीं-12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से मेल हो या फिर फीमेल, दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2023 है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ इंग्लिश या हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं भारतीय डाक विभाग सीधी भर्ती 2023 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट पीए या एसए, पोस्टमैन या मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की। टोटल 1899 वैकेंसी यहां पर इसमें निकली है। बात अगर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जाए तो पोस्टल असिस्टेंट के लिए यहां पर 598 वैकेंसीज है, सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए 143 वैकेंसीज है, पोस्टमैन के लिए 585 है, मेल गार्ड के लिए भी 3 पद है और एमटीएस के लिए 570 वैकेंसीज निकली है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इसके लिए 10 नवंबर से शुरू होने जा रही है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 9 दिसंबर 2023 है और फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 9 दिसंबर 2023 है। करेक्शन की डेट 10 से 14 दिसंबर 2023 है। बात अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल की जाए तो यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट के लिए 25,500 से 81,100 है, सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी 25,500 से 81,100 है, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 1,700 से 69,100 है, मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए 18,000 से 56,900 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो पोस्टल असिस्टेंट सोर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस यहां पर इसमें 100 रुपये है। SC ST PWBD EWS ट्रांसजेंडर या फीमेल कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी। पेमेंट आप ऑनलाइन UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हो। बिना एग्जाम बिना परीक्षा की भर्ती है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, DOP स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट CPT.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDFs इंग्लिश या फिर हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी PDF इंग्लिश में ओपन हो जाएगी, साथ ही साथ हिंदी की PDF भी है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग की ओर से ये सूचना विज्ञापन जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन स्पोर्ट कोटा की भर्ती है इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस की पोस्ट निकली है। आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक चलेंगे, यहां पर आपको डेट पूरी इसमें दे दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आप जैसे इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आपको पोस्ट वाइज इसमें सैलरी की डिटेल दे दी गई है, पोस्ट वाइज आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर आपको पोस्ट वाइज इसमें एज लिमिट की जानकारी दी गई है और एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसे कि 5 साल की यहां पर अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन आपको दी गई है। SC ST को भी 5 साल की इसमें छूट दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट के लिए बैचलर
बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 12वीं पास, एमटीएस के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरिटोरियस सपोर्ट पर्सन की क्वालिफिकेशन भी आप रीड आउट कर सकते हो। गेम वाइज आपको यहाँ पर इसमें जानकारी दी गई है जो आप रीड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप जैसे इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करोगे तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की इन्फॉर्मेशन दी गई है, मेरिट के आधार पर चयन होगा, आवेदन करने की प्रक्रिया दी गई है, इसको फॉलो करते हुए आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की डिटेल है जो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है, इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ ही साथ इसी पीडीएफ के एंड में आपको सर्कल वाइज भी यहां पर वैकेंसीज दी गई, जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिए देख सकते हो, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, सभी के लिए पोस्ट वाइज वैकेंसीज आपको यहां पर दे दी गई है, स्क्रॉल डाउन करते हुए रीड आउट कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर स्क्रॉल डाउन करते हुए पूरी पीडीएफ आप इंग्लिश या फिर हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हो। हिंदी में भी ये पूरी पीडीएफ इसी तरह से सेम जानकारी दे दी गई है। अप्लाई करने से पहले आप ये दोनों पीडीएफ रीड आउट कर सकते हो। देन उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 10 नवंबर को यहां पर आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट होगा, आप तभी से यहां से आवेदन कर सकते हो। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन करने के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस आपको यहीं पर दे दिए गए हैं, आप यहां से रीड आउट करते हुए इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हो। स्टेज फर्स्ट से सेकंड के दौरान आप यहां पर आवेदन कर सकते हो। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो आवेदन करने के लिए स्टेज फर्स्ट में आपको यहां पर एप्लीकेशन स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकंड में यहां पर एप्लीकेशन स्टेज है सेकंड, उसके बाद में फीस पेमेंट करते हुए फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। इस तरह से आप इंडिया पोस्ट ऑफिस स्पोर्ट कोटा की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।